हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आज बच्चों का मन था ब्रेड का दही बड़ा, तो वही मैं बना रही हूँ। और देख सकते हैं बस इसी में मैंने दही को जमा दिया था रात में, तो अच्छे से जम गया है। और चलते हैं बच्चों के लिए बना देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम है और चाय वगैरह सब कुछ सारा काम हो चुका है। बस अभी मुझे चूल्हा लिपाई करना है, तो बच्चे बोल रहे थे तो हमने कहा पहले कर लेते हैं इसको। और ब्रेड का भी दही बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट सा और खाने में भी टेस्टी आता लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा, सपोर्ट करिए। और यहाँ पे मैं अपना जल्दी जल्दी से इसको तैयार कर ले रही हूँ, और इसके बाद से चूल्हा लिपाई के बाद तुरंत चलते हैं नहाने। और 6 बज चुके हैं, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। तो इसको मैं दही डालने के बाद बड़े पे और हल्का सा नमक डालूँगी, काला नमक, और यहाँ पर थोड़ा सा जीरा है, लाल मिर्च है, इसको ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा। और दही में हल्का सा शक्कर डाल के हमने फेंट लिया था, मीठी दही है और काफ़ी खट्टा मीठा सा टेस्टी लगता है खाने में इस तरीके से। और बच्चों का मन था तो हमने कहा चलो पहले इसको बना लेते हैं, और यही खा के बच्चे, इसीलिए मैं मॉर्निंग में बच्चों को अपने ये ऊटपटांग सा कुछ भी नाश्ता नहीं देती हूँ, क्योंकि कुछ भी खा लेते हैं तो फिर जो भी खाना बना होता है रोटी सब्जी नाश्ते में कुछ भी, तो वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं देती हूँ ये बना के। तो आज बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, और वही खा के बच्चे चल भी गए स्कूल के लिए। और आप लोगों को पता है टिफिन नहीं लेके जाते हैं, कई बार हमने अपने कई सारे वीडियो में भी बताया है ब्लॉग में। और यहाँ मैं चूल्हा का लिपाई कर रही हूँ, चूल्हा का लिपाई करने के बाद से चलते हैं तुरंत नहा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में यही सारा काम होता है और जो हम करते हैं वही आपसे शेयर भी करते हैं। बहुत सारे दिन में काम होते हैं पर ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम ही मेरा सबसे सही होता है। भले ही काम ज़्यादा होता है पर मैं अपना कैमरा सेट कर देती हूँ और इसके बाद से अपना काम चालू कर देती हूँ। और वहाँ मैं दही बड़ा जब बना रही थी तो सृष्टि अपना शूट कर रही थी, क्योंकि जल्दी बच्चों से हेल्प नहीं लेती हूँ, उन लोगों को भी इसी में बिजी रखना ठीक नहीं है, वो सब अपने काम में पढ़ाई लिखाई और सारा जो कुछ है उन लोगों का अपने काम में रहते हैं, और मैं अपना काम खुद ही करती हूँ जो भी ब्लॉग शूट करना होता है। यहाँ पे नहा के आ चुके हैं चूल्हे के पास और चलते हैं खाना बना लेते हैं। नहाने के बाद सीधे मेरा खाना का ही काम होता है, और बिना नहाए तो खाना हरगिज मैं बनाती नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब खेत वगैरह जाते थे तो बच्चों को नाश्ता देके बिना नहाए चले जाते थे, इसके बाद वहाँ से आने के बाद चाहे जब आए तभी मेरा खाना बनता था। और यहाँ पे आग चूल्हे में जलाने के बाद तो तड़का हमने थोड़ा सा कूट लिया है, और इसके बाद से सब्ज़ी डाल दे रहे हैं इसमें, क्योंकि तड़का लाल हो गया था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही क्लिप लगाया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे जब मेरा सब्ज़ी भुन गया है तो उसमें टमाटर मसाला सब कुछ डाल के भूज लेते हैं इसको भी, और पानी वगैरह डाल देते हैं, सब्ज़ी पक जाएगा। इसके बाद से इसी पे बनाएंगे चावल, और चावल बनाने के बाद तो अभी रोटी बनेगा करेला का सब्जी, क्योंकि करेला का सब्जी आजकल डेली ही बन रहा है, क्योंकि सनी के पापा को चाहिए होता है करेला का सब्जी। और यह नमक डाल देते हैं, पानी वगैरह हमने डाल दिया है, और चावल भी धुल रहे हैं, पानी चढ़ाया हुआ है देख सकते हैं आप लोग चूल्हे पे। और चूल्हे पे जब आग जलता है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है, चूल्हे का खाना भी अच्छा होता है। तो वही आजकल बारिश तो हो नहीं रहा है, एक दिन बारिश हुआ था दो दिन बस, उसके बाद से नहीं। और चावल होने के बाद मैंने तुरंत ही सब्जी भी इसी तावे पे छौंक दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना होता है तो इसी पे बना लेती हूँ जब थोड़ा सा उनके लिए ही बनाना होता है, और खाना उनका निकाल दे रही हूँ जो भी कुछ है, और रोटी सेक के तब उनको खाना दूंगी। और यहाँ पे जो भी बचा हुआ सब्जी है इसको मैं अलग बर्तन में रख रही हूँ, और चलते हैं रोटी बनाने। तो तावे पे थोड़ा सा जब सब्जी बनता है तो थोड़ा सा जैसे तेल वगैरह उसी पे लगा हुआ होता है, तो पहली रोटी से मैं उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी तावे को। और यहाँ पे
थोड़ा सा चावल दे रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो चावल लेते नहीं हैं मॉर्निंग में, और दोपहर में ही चावल खाते हैं, पर मैं दे रही हूँ, अगर उनको खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो। और यहाँ पे रोटी बनाने से पहले पहली जो होती है वो टुकड़ा, वो अग्निदेव के लिए रखा जाता है, तो उसको हमने रख दिया है। अब पहली रोटी जो बनेगी वो गौ के लिए बनेगी, तो यहाँ पे चूल्हे के पास इसको रख देते हैं। अब ये रोटी जो है एक गौ के लिए बनेगी, तो अब बनेगा फैमिली के लिए, जो भी कुछ बनेगा वो फैमिली खाएंगे। तो ऐसे ही कुछ करती हूँ मैं, कोई भी चीज़ चावल भी डालने से पहले मैं अग्निदेव को चढ़ा ही देती हूँ। कोई भी चीज़ हो तो पहले आग में डाल देना चाहिए, क्योंकि उसी से तो हम लोगों का जो भी कुछ है होता है, तो अग्निदेव को ज़रूर चढ़ाना चाहिए कोई भी खाना। और यहाँ पे रोटी जो है तेल लगा हुआ है, रोटी पे अच्छे से घीस लेते हैं, तो ऐसे तवा पे जो भी चिकनाहट है साफ़ हो जाएगा। और अब रोटी इस पे रखेंगे, तो यहाँ पे अब बन जाएगा रोटी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। और यहाँ पे रोटी बनाने के बाद तुरंत ही देते हैं खाना उनको। और आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, तो प्लीज़ फुल वॉच भी कीजिएगा, और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप समझ सकते हैं। और रोटी बन गया है मेरा, अब वह यहाँ पे उनको देने के बाद तो फिर से अभी इसी चूल्हे पे जो भी रोटी बन जाएगा थोड़ा बहुत है, और इसके बाद से इसी चूल्हे पे मैं अपना दूध भी रख दूँगी, तो सारा खाना मेरा इसी पे तैयार भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा। और रोटी देख सकते हैं बन गया है, क्योंकि सार थोड़ा थोड़ा ही क्लिप लगाया हुआ है हमने। और यहाँ पे ये आखिरी रोटी है, तो आखिरी रोटी तो कुत्ते के लिए ही होता है, तो एक डॉग है मेरी, उसी के लिए मैं अपना निकाल देती हूँ, रख देती हूँ, जब आती है तो उसको दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, और धूप काफ़ी तेज वाला निकला है। मॉर्निंग में कम फील हो रहा था गर्मी, पर अभी बहुत ही, और पसीना भी हो गया है, देख सकते हैं। किचन में ही है, क्योंकि खाना वगैरह लाके यहीं रखे हैं, और अभी देख सकते हैं जो भी है एक खाली है। लाइट आने के बाद बर्तन धुलाई होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी मेरा पानी वाला जो नल है बाहर है, तो इसलिए मुझे दिक्कत होता है, और टंकी के पानी से कोई भी काम मैं करती नहीं हूँ, बर्तन धुलाई वगैरह कुछ भी नहीं, तो जब लाइट आता है तभी मेरा काम होता है। और चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड भी करते हैं, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।